हाय गाइस, मैं हूँ एमएस। कल जैसे कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा था नई करेंसी पर, और आज उसी के सिलसिले में कुछ और बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो फेक करेंसी है 500 रुपये की और 1000 रुपये की जो आज तक चलती आई हैं, ये रैकेट इतनी जल्दी हार मारने वाला नहीं है। लोग ज़रूर जो नई नोटें हैं 500 की और 2000 वाली, इसको आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिए, आपके हाथ पे भी 500 और 2000 की फेक नोट आ सकती है। आप ये ज़रूर कभी ना समझें कि जो नोट आपको नहीं दिखेगी वो नई और वैलिड करेंसी है। आप ध्यान रखिए, जो नोट आपको बैंक से मिलेगी उसी नोट को आप स्वीकार कीजिए, और जो नोट आपको एटीएम से मिलती है बस उसी नोट को स्वीकार कीजिए। कोई आदमी कहता है कि मैं आपको नई नोट ला कर दूंगा, नई करेंसी ला कर दूंगा एक्सचेंज में, तो बिल्कुल उसकी बात को मत मानिए। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो ज्वेलरी का बिज़नेस होता है उसमें ज्वेलरी बायर्स जो भी ख़रीदने जाते हैं कस्टमर्स, उनको अपना पैन कार्ड, अपना पैन नंबर देना कंपलसरी है। ये कंपल्शन लगाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और ज्वेलर्स को ये एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना उन पर एक्शन लिया जाएगा। और एक अच्छी चीज़ दोस्तों, घबराइएगा नहीं, सैटरडे और संडे बैंक्स का फुल वर्किंग डे रहेगा, आप अपना काम बिल्कुल बराबर से कर सकते हैं जल्द। और एक चीज़ दोस्तों, जिन लोगों की राशि 2.5 लाख से ज़्यादा होगी, यानी जो बैंक में अपने एक्सचेंज 2.5 लाख से ज़्यादा पैसा करवाने जाएंगे, उनके लिए ये न्यूज़ अच्छी नहीं है। क्योंकि जो लोग 2.5 लाख के ऊपर की राशि बताएंगे, इनकम टैक्स उनकी राशि पर नज़र रखेगी। और एक चीज़ दोस्तों, थैंक यू जी। हाँ दोस्तों, तो जो स्मॉल अमाउंट्स होते हैं जैसे कि 25,000 50,000 हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए, ये लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आराम से जाइए, डिपॉजिट करवाइए और अपनी न्यू करेंसी दीजिए। धन्यवाद।